विंध्याचल मंदिर में यात्री का सामान चोरी होने के बाद पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने से श्रद्धालु हुआ परेशान। श्रद्धालु ने पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से शिकायत किया है। उसका कहना है कि सामान चोरी होने के बाद विंध्याचल थाने की पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस थाने बुलाई, उसके बाद उचित कार्रवाई नहीं की। मिर्जापुर से पीपीसी रिपोर्टर डॉक्टर साजिद अंसारी और शिवराम शर्मा की ये रिपोर्ट। चोर द्वारा चुराया गया और लेकर वो भागा। दो थे जिसमें से एक को मैंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वहाँ पे स्थानीय जो दुकानदार थे, बनवार क्लास स्टोर के भी लोग थे और भी अगल बगल के लोग थे, उन लोगों के सामने उसने कबूला और स्थानीय लोगों ने बताया कि उसका नाम लच्छू है। और उसके बाद में तब तक स्थानीय पुलिस आ गई। चोर को पकड़ लिया, उसने कुछ बोला क्या कैसे? नहीं, उसने कहा कि मुझे पता है कि चलिए मैं बगल में रखा हुआ है, मैं दिलवा दूंगा। और स्थानीय लोगों ने बताया कि उसका नाम लच्छू है और वो सामान देने जा भी रहा था, तब तक स्थानीय पुलिस की गाड़ी आ गई और उसको बैठा लिए गाड़ी में। और गाड़ी में बैठा के उसको थाने ले गए और हमसे बोले कि आप भी थाने आइए। मेरे साथ मेरी बुजुर्ग मदर थी, उनको मैं पैदल लेकर के थाने पहुंचा। तो थाने पहुंचने आप भी गाड़ी पे क्यों नहीं बैठ के गए? गाड़ी पे बैठाया नहीं मुझे, बोले आप पैदल आइए। पैदल आइए, मैं पैदल जब मदर को लेके पहुंचा तो वहाँ पर सब पुलिस वालों ने जो है, वही पुलिस वाले ही कहने लगे कि आपका सामान उसने नहीं चुराया है और जो है उसने नहीं लिया है। तो फिर हमने कहा कि आप हमको FIR दर्ज कीजिए, FIR इसके नाम से दे दीजिए। तो कहने लगे कहाँ आओगे, यहाँ मुकदमा अटेंड करने आ नहीं पाओगे। और ये और उन लोगों ने जब अपना जो है एक गुमसुदी का एक लिख करके और हमको दे दिया और बोले जाओ। मैं दो घंटे वहाँ बैठा रहा। दो घंटे बैठने के बाद मैं फिर इंस्पेक्टर से पूछने गया। इंस्पेक्टर ने हमसे कहा जो है, वो विंध्याचल के जो इंस्पेक्टर 3 स्टार के जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ से बाहर जाओ, भाग जाओ, नहीं तो अभी बंदूक पे बिठा के जो है शूट आउट कर दूंगा। इंस्पेक्टर का नाम हम यहाँ के विंध्याचल के जो इंस्पेक्टर थे AC सिन्हा साहब जो है, उन्होंने काफी अभद्र तरीके से मुझे कहा कि आप भाग जाओ बाहर, नहीं तो बंदूक की गोली पे बिठा के अभी उड़ा दूंगा, शूट आउट कर दूंगा। और मैं फिर चला आया, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। अब मेरे पास पैसे तक नहीं है कि मैं घर जाऊं। और जिस तरह से विंध्याचल पुलिस ने व्यवहार किया, ऐसा मुझे लग रहा है कि उन लोगों का भी हाथ है इसमें, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उसको निर्दोष बोल दिया। जबकि और उसको जिस तरह से पकड़ के मैं ले गया था, यहाँ से पुलिस वाले ले गए और उसको आराम से बैठाए हुए थे कुर्सी पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है और उसके साथ मिली है।